सोनीपत से इस बीच खबर, जहां पीपली टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन और किसानों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया है और ऐसे में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है टोल प्लाजा पर। टोल फ्री कराने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं और प्रशासन ने किसानों को समझाने की हालांकि कोशिशें की हैं लेकिन किसान समझने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है, किसानों को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आप किसानों की टोल प्लाजा पर संख्या को देखते हुए पुलिस फोर्स को भी टोल प्लाजा पर तैनात किया गया है। टोल फ्री कराने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं और प्रशासन ने किसानों को समझाने की हालांकि इस दौरान कोशिश जरूर की है लेकिन पीपली टोल प्लाजा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पीपली टोल प्लाजा की ये पास की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया टोल प्लाजा पर। हालांकि आप किसानों की संख्या को देखते हुए पुलिस भी मौजूद की गई है। राम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, क्या अभी तक जानकारी है? टोल फ्री कराने की बात लेकिन अब प्रशासन की टीम भी मौके पर है, किसान समझ रहे हैं? शुभेंदु, लगातार टोलों को फ्री करा दिया गया था और एक बार फिर जब प्रदेश की सरकार द्वारा आदेश मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद जो है टोल शुल्क लिया जा रहा था और इसके बाद एक बार फिर आज किसानों ने दोबारा रणनीति बनाकर जो है पिपली टोल पर पहुंचे हैं और यहां पर भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और अन्य जो लोग हैं, किसान जो है, किसान नेता, वो मौके पर पहुंचे हैं और टोल फ्री कराने की जिद पर वो अड़े हुए हैं। पिपली टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं जहां भारी संख्या में जिस प्रकार किसानों की संख्या मौजूदगी है उसी के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी अलर्ट पर है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है और इसी के मद्देनजर अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर कई कंपनियां बुलाई गई हैं। दूसरा, कई डीएसपी रविंद्र सिंह, अनमोल सिंह, एसडीएम समेत कई पदाधिकारी मौजूद है और लगातार किसान नेताओं को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है और स्थिति ये भी है कि भारी संख्या में एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ किसान है। हालांकि पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से लगातार प्रयास करती भी नजर आ रही है। अब देखना ये होगा ये मसला किस प्रकार से सुलझता है क्योंकि जिस प्रकार से टोल फ्री कराने को लेकर प्रदेश सरकार का भी सख्त आदेश है कि कोई भी टोल जो है फ्री नहीं रहेगा, जो भी वाहन वहां से होकर गुजरेगा उसका शुल्क जो है प्रत्येक वाहन को देना होगा। लेकिन इसके खिलाफ जो है किसान नेता है और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है जब तक आंदोलन चलेगा तब तक किसी भी टोल प्लाजा से कोई भी शुल्क जो है नहीं वसूलने दिया जाएगा। अब स्थिति यह है, तनावपूर्ण लग रही है क्योंकि एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान, दोनों ही आपसी सामने सामने है और मसला ये देखने वाला होगा कि किस प्रकार से सुलझेगा। बिल्कुल, और ये कैसे परेशानी का समाधान होता है फिलहाल देखना होगा। बहुत शुक्रिया राम इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन प्रशासन ने किसानों को समझाने की हालांकि इस दौरान जरूर कोशिश की है लेकिन किसान इस बात पर अड़े हैं कि इस टोल प्लाजा